ये मैंने हाफ के जी आलू ले लिए हैं जिनको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये मैंने तीन मीडियम साइज़ के मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी वो मैंने कट कर ली है। तकरीबन ये भी हाफ के जी से थोड़ी बहुत ही कम होंगे, हाफ के जी ही है। और ये मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको ऑमलेट में हम डालते हैं कट करके उस तरह से कट कर लिया है। इसके ऊपर ड्राई मसाला मैंने लिया वन हाफ स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 जायफल नमक, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया स्वाद के लिए, और ज़रूरत अनुसार पानी। और कढ़ाई हमने गैस पर रखा, ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब इसमें हम सबसे पहले फ्राई करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने ऑयल में डाल दी है और इसको हम अच्छे से शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे ऑयल में, जैसा कि थोड़ी सी साफ नहीं हो जाती। अगर आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी शिमला मिर्च को मसाले में डाल सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च अगर आप फ्राई करके बनाएंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में आपकी। इस तरह से हम इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। तो देखिए शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, और पहले कितना डार्क कलर था शिमला मिर्च का, अब कितना लाइट कलर हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में। शिमला मिर्च हमने निकाल लिया है, और जो कढ़ाई में ऑयल बचा था थोड़ा सा उसी के अंदर हमने थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे प्याज, और प्याज को हमें फ्राई करना है ब्राउन होने तक। तो चलिए इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गई है, इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। और टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। देखिए प्यारे बहन भाई, टमाटर हमारे माशाल्लाह से खूब अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए आराम से मैश हो रहे हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये सूखे ड्राई मसाले। बिस्मिल्लाह, हमें भून लेना है ताकि मसालों में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे गले नहीं, बहुत थोड़ा सा डालना है। इसको हम 3-4 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूनने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो ये देखिए आलू हमने ऐड कर दिए हैं, और आलू को हमें मसाले के साथ भी बहुत अच्छे से पकाना है। तो मैं शिमला मिर्च को तो हमने ऑयल में पहले फ्राई कर लिया था, तो आधा से ज़्यादा वो वैसे ही उसको पक गई फ्राई होने में, तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी कसर है। तो हमें पहले आलूओं को पकाना है, तो आलूओं को मैं 10 मिनट के लिए दम पर पका लेती हूँ ताकि थोड़े से ही गल जाए। तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च। बहन भाई लीड हटा के हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ स्पून से दबा के, ये देखिए आराम से कट रहे हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जी हमने शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स कर दी है। अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा 1/2 कप पानी डालूँगी, जिससे कि आलू जो हल्की सी कसर है शिमला मिर्च में वो हमारी दम पर हो जाए। तो अभी इसे मैं 5 मिनट के लिए लगा देती हूँ दम, तो 5 मिनट के बाद में हमारी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी। तो चलिए 5 मिनट के बाद में सब्ज़ी को चेक करेंगे। बहन भाई लीड हमने हटा दी है, तो ये देखो माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है आलू शिमला मिर्च की। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये हरा धनिया। आपको पता है कि बिना हरे धनिया के तो हर रेसिपी मेरी अधूरी होती है, तो इसलिए मैं हरा धनिया लाजमी डालती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से लीड हटाते हुए सब्ज़ी में से बहुत अच्छी खुशबू आई है। तो ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्ज़ी, खाने में भी ये इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब इसे मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, और अब आपको दिखाती हूँ मैं इसकी प्लेटिंग करके। देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी यम्मी हमारी ये सब्ज़ी लग रही है। तो आपको मेरी आलू शिमला मिर्च की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी आप सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लाती हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है आप मुझे सपोर्ट करें। खुद मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।